आज हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर जिसको कहते हैं हैदराबाद में, ऐसी जगह पर आए हैं जिसको कहते हैं दुल्हन पराठा। ये जानने के लिए कि इनके साथ दुल्हन है या नहीं पराठे में, आई एम गोना टेक यू गाइस अलोंग, सो लेट्स गो। वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं सिंध के दूसरे बड़े शहर जिसको कहते हैं हैदराबाद में। इन्हीं पतली पतली गलियों से हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसको कहते हैं दुल्हन पराठा। अब ये जानने के लिए कि इनके साथ दुल्हन है या नहीं पराठे में, आई एम गोना टेक यू गाइस अलोंग, सो लेट्स गो। और अभी हम उनके साथ बैठे हैं जो इस दुल्हन पराठे के बारे में सारे राज जानते हैं, और हम आपको भी बताएंगे। इनसे मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगी, आप फिक्र ना करें। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं भाई, आपके इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है? मुझे दुल्हन नहीं दिख रही यहाँ पर, क्योंकि दुल्हन तो नहीं दिख रही है, लेकिन दुल्हन को हम सजाते हैं। मतलब? दुल्हन है ये, पराठा है दुल्हन, दुल्हन पराठा, पराठा है दुल्हन कहने का ये मकसद था। तो फिर मतलब किस तरह से, मैं देख रही हूँ आपके पास चिकन भी है और कोई स्ट्रॉबेरी भी रखी हुई है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये चिकन होती है, इसमें स्ट्रॉबेरी लगाते हैं हम, अदरक, चुकंदर, काजू और हमारी खुद की 12 जड़ी बूटियों का मसाला होता है जो इसमें हम रखते हैं। बीफ का कीमा भी होता है, चिकन भी होती है, लेग पीस भी लगाते हैं, काजू भी लगाते हैं, स्ट्रॉबेरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग दूर दूर से लेके जाते हैं इसको दुल्हन के लिए नाश्ता। तो इसका मतलब किस तरह से, तो ये एक रिवायत सी बन गई है? हाँ, ये एक रिवायत सी बन गई है। जब शादी होती है तो दुल्हन कहती है कि मैं वहीं का ही पराठा खाऊंगी सुबह, मतलब? जब उसका दूसरा दिन होता है ना सुबह शादी का, तो वो यहीं का ही पराठा खाती है दुल्हन। अच्छा, तो ये एक पराठा जो होता है इसमें आप लोग अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें डालते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फिलिंग होगा ना? हाँ, हैवी हो जाता है ये, कम से कम दो आदमी खाते हैं एक दुल्हन पराठे को, यानी कि अगर दूल्हा और दुल्हन हो ना तो दोनों एक ही पराठा खा लेंगे ये। अच्छा, तो मुझे ये बताएं आप जो है ना यहाँ पर कब से? हमारे को तकरीबन 50 साल हो गए। तकरीबन 50 साल आपको हो गए? आप 50 के तो नहीं लगते? नहीं नहीं, हमारे वालिद बैठते थे, अब हमने संभाल रखी है भाइयों ने। ऐसा है कि यहाँ पर कोई और भी दुल्हन पराठा बेचता हैदराबाद में, सिर्फ आप? सिर्फ पूरे पाकिस्तान में हमारा ही एक दुल्हन पराठा है, बस बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। अच्छा। शुरू में तो इसमें दूध अंडों में मैदे की गुंदाई होती है, वो भी हमारा भाई करता है, हम 6-7 भाई हैं, हमारे भाइयों के हाथ से निकल के फिर ये दुल्हन पराठा तैयार होता है। दूध अंडों में गुंदाई होती है, हाँ, उसके बाद सांड लगती है, फिर तई में छोड़ा जाता है, फिर कढ़ाई में निकाला जाता है, उसके बाद इसकी पीलिंग होती है, काटा जाता है, कीमा भरा जाता है, फिर ऊपर से अदरक, चुकंदर, काजू, मुर्गी का रेशा, लेग पीस लगाया जाता है, स्ट्रॉबेरी लगाते हैं सीजन के हिसाब से जो स्ट्रॉबेरी आती है। मेरा लजीज दुल्हन पराठा आ गया है, इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज है, इसके ऊपर नींबू है, इसके ऊपर अंडा है, इसके ऊपर लेग पीस भी है, चुकंदर भी है, सारी जो उन्होंने मुझे चीज़ें बनाई थी मैंने भी रख ली। मैं इधर खड़ी होंगी और मैं भी मेन्यू बताऊंगी अब सबको, अगर कोई इधर आएगा तो। चले खा के देखें। क्रिस्पी क्रिस्पी, फुल क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ें आ रही हैं। इसके अंदर भी कीमा है, जस्ट सो यू नो, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। आ रही हूँ अब मैं इसको के साथ खाती हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का भी वो लेती हूँ, एंड लेट्स टेक अ बाइट। ओके ओके ओके, मैं आपको बताती हूँ सीन क्या है। याद है मैं पहले बोल रही थी इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी है, ये भी है, वो भी है, उन सारी चीज़ों का इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आ रहा। इनके जो स्पेशल हर्ब वाले मसाले हैं ना इसके अंदर, उसका टेस्ट आ रहा है, और ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई मीन इतनी सारी इन्होंने चीज़ें दी हुई हैं इसके साथ। इसे करना था बाइक। गुड है, गुड है, बहुत गुड है।
मुझे सारी हाइप समझ आ गई है कि इस बात की पराठा इतना ज़्यादा यूनिक है और इतना ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने आपके सामने इसको स्ट्रॉबेरी के साथ भी खाया, अभी स्ट्रॉबेरी सीजन में, तो ये उसके साथ बिल्कुल इसको आप दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है ना। और आई फील लाइक दिस पराठा इज़ अ गुड 10/10 ऑनेस्ट रिव्यूज़ ओनली। हम स्ट्रीट फूड पर सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं क्योंकि कस्टमर्स ने भी आपको सब बता दिया, सब आपके सामने। सो इफ यू आर कमिंग टू हैदराबाद अपने दुल्हन पराठा तो ट्राई करना ही होगा। लेकिन यार ये वाली दुल्हन मिल रही तो आपको और क्या चाहिए बताएं मुझे, और क्या चाहिए? एंड रिमेम्बर, अगर आप किसी ऐसे वेंडर को जानते हैं जिसकी स्टोरी आप चाहते हैं कि हम सबको बताएं, डू लेट अस नो ऑन दिस नंबर दैट्स अपीयरिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ।